सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अपने पाठ कौन सा कर रहे थे? अपने पाठ नंबर कर रहे थे 8। पाठ संख्या 8, अनेकार्थक शब्द, ये कर रहे थे ना, अनेकार्थक शब्द। इसका मैंने मौखिक तक, इस पाठ का अभ्यास मौखिक तक तो मैंने करवा दिया था आपको। आज मैं जो करवाऊंगी वो करवाने जा रही हूँ लिखित। लिखित में करेंगे काम अपने, इसमें करेंगे लिखित में। तो देखिए, लिखित में फर्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अनुचित अर्थ वाले शब्दों में क्रॉस का निशान लगाइए। निम्नलिखित शब्दों के अनुचित अर्थ वाले, जिनका अर्थ ही नहीं है, जो मेल नहीं करते, शब्दों में क्रॉस का निशान लगाइए। अब क्रॉस का निशान लगाना है, देखिए मैंने कर रखा है। इसको देखकर आप भी अपनी व्याकरण की बुक में ऐसे ही कर लेना। अब देखो, जैसे है अंक, अंक इसका एक होता है गोद, योग, अध्याय। इसमें क्या गोद भी है, अध्याय भी सही है, लेकिन योग क्या है, गलत। योग को क्या कर दो, क्रॉस का निशान लगा दीजिए योग को, अंक हुआ। अब सेकंड है अंबर, अंबर का क्या है, सोना, आकाश, कपड़ा। तो सोना क्या है, गलत है, आकाश और कपड़ा मेल खाते हैं, तो सोना इनमें से अलग है, तो सोने को करना है क्रॉस। और इसके आगे अब है पृष्ठ, पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब पेज भी होता है, पन्ना भी होता है, पीठ भी होता है, पीठ, क्षेत्र, पन्ना। तो इसमें क्या है अलग, क्षेत्र, क्षेत्र को कर दीजिए क्रॉस, क्षेत्र को क्या करना है क्रॉस। अब है मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा का क्या है, मोहर, सिक्का, वंश। मोहर भी सही है, सिक्का भी सही है, तो वंश क्या है, गलत, क्रॉस कर दो वंश को, क्रॉस। फिर आगे है गुरु, गुरु, गुरु का श्रेष्ठ, चाल, शिक्षक, गुरु का श्रेष्ठ, चाल, शिक्षक। इसमें क्या है, चाल, चाल क्या है क्रॉस, चाल क्या है क्रॉस। तो ये मैंने कर दिया है, इसको आप ऐसे ही करना है। जो मेल नहीं खाते उन पर क्रॉस के निशान लगाने हैं, ठीक है। ये तो हुआ आपका ऐसे। अब देखो, ये प्रश्न नंबर 1 लिखित का, प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आइए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्दों के उचित अर्थ में राइट निशान लगाइए। रेखांकित शब्दों के उचित अर्थ में राइट निशान लगाइए। मुझे छोटे बच्चे को अंक में लेना अच्छा लगता है। ऊपर गोद आया था, अंक का गोद भी होता है, अध्याय भी होता है। इधर मुझे छोटे बच्चे को अंक में लेना अच्छा लगता है। अंक एक होती है संख्या और गोद, तो इसमें क्या में हो रहा है, यहाँ अंक का मतलब क्या है, गोद। मुझे छोटे बच्चों को अंक में लेना अच्छा लगता है, यानी कि गोद में लेना अच्छा लगता है। इसके बाद है नेक्स्ट, मेरे हिंदी विषय में 15 अंक हैं, मेरे हिंदी विषय में 15 अंक हैं, यानी कि संख्या, राइट, संख्या 15 अंक हैं, संख्या को ही बोलते हैं ना अंक, तो गोद नहीं आएगा यहाँ, संख्या राइट है। इसको आप अपनी बुक में ऐसे ही टिक कर लेना। अब आइए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, आज अंबर का रंग सांवला लग रहा है, आज अंबर का रंग सांवला लग रहा है। अंबर से अपने को सेंटेंस ही समझ में आ जाना चाहिए, अंबर आकाश होता है, तो इस किसके साथ है, आकाश के साथ, कपड़ा नहीं आएगा यहाँ, आकाश मैच हो रहा है।
आज आकाश का रंग सांवला लग रहा है। मैं अपने जन्मदिन पर नीले अंबर पहनूंगी, तो यहाँ अंबर का क्या मतलब आएगा? कपड़े से। मैं अपने जन्मदिन पर नीले अंबर पहनूंगी, यानी कि कपड़ा। अंबर का यहाँ किससे मैच हो रहा है? कपड़ा से। मैं अपने जन्मदिन पर नीले अंबर पहनूंगी। मुझे आम बहुत पसंद है। आम यहाँ पर क्या है? फ्रूट का नाम है, सामान्य फल का नाम। फल का नाम सामान्य नहीं आएगा, यानी कि फल का नाम आएगा। मुझे आम में से, यानी कि फल आम बहुत पसंद है। फिर नेक्स्ट है, यह कोई आम व्यक्ति नहीं लगता है, यानी कि सामान्य फल का नाम नहीं आएगा इधर। यह कोई आम व्यक्ति नहीं लगता है, यानी कि सामान्य व्यक्ति नहीं लगता है। मैं कल घूमने जाऊंगा, यानी कि आने वाला कल। मशीन नहीं है तो आने वाला कल आएगा। मैं कल घूमने जाऊंगा। नेक्स्ट, मोहित कल ठीक करने का काम करता है। यहाँ पर कल किसमें आया? मशीन में। मोहित मशीन ठीक करने का काम करता है, तो यहाँ मशीन, आने वाला कल। ये सभी मिलते जुलते हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि इनके जो अर्थ हैं सही मायने में यही अर्थ निकलते हैं। मोहित कल, यानी कि मशीन ठीक करने का काम करता है। इधर मशीन को ठीक कर लो आप एक बार अच्छी तरह। ये जो कर रखे हैं आप, इनको अच्छी तरह देख लो आप अपनी बुक में, ऐसे ही टिक के निशान लगा लेना। अब है प्रश्न नंबर थ्री। नीचे लिखे शब्दों में से ऐसे दो दो वाक्य बनाइए जिनसे अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाएं। नीचे लिखे शब्दों से ऐसे दो दो वाक्य बनाइए जिससे अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाए। उदाहरण, माँ के अंचल में, यहाँ के अंचल आना, माँ के अंचल में शांति मिलती है, यानी कि गोड। पहाड़ी अंचल के लोग ईमानदार होते हैं, यानी कि क्षेत्र। एक का मतलब गोड है, एक का है क्षेत्र। तो क्या है? शब्द एक है, अर्थ दो दो है, ठीक है। तो इसके शब्द के अर्थ दो हैं, फिर उनसे पहले उनके अर्थ लिखने हैं, फिर उनके अलग अलग अर्थ के हिसाब से वाक्य बनाने हैं। ये जो नीचे दे रखे हैं, मैंने सबके अर्थ लिख दिए, लेकिन होमवर्क में आप इन अर्थ के हिसाब से इनका वाक्यों में प्रयोग कर लेना, खुद करोगे वाक्य प्रयोग। वर्ण एक होता है रंग, दूसरा होता है अक्षर। रंग पर वाक्य बनाना है और अक्षर पर वाक्य बनाना है। ये आपका होमवर्क में है, प्रश्न नंबर थ्री आपका होमवर्क है। अर्थ मैंने लिख दिए हैं, इनके अलग अलग वाक्य बनाओगे आप लोग। फिर आगे है तीर। एक तीर का मतलब होता है किनारा, और एक का अर्थ होता है बाण। किनारा और बाण, इस पर भी वाक्य अलग अलग बनाने हैं। फिर है अनंत। अनंत का एक आएगा आकाश, दूसरा आएगा ईश्वर। अनंत, आकाश और ईश्वर, इनके अलग अलग वाक्य बनाने हैं। फिर है प्रकृति। प्रकृति, इसका आएगा स्वभाव, इसका आएगा कुदरत। एक क्या है? स्वभाव। एक क्या है? कुदरत। फिर इनके वाक्य बनाने हैं। अर्थ लिख दिए हैं मैंने, अर्थ के आधार पर आप इनके वाक्य बनाओगे। तो प्रश्न नंबर थ्री क्या है? आपका होमवर्क है। अब देखिए गतिविधि। गतिविधि भी बड़ी इजी है, ये भी आपका होमवर्क है। नीता के पास चार पर्ची हैं।
नीता के पास चार पर्ची हैं, उन पर्चियों पर वर्ण लिखे हैं यानी कि शब्द अक्षर। आप उन वर्णों से शुरू होने वाले अनेक अर्थक शब्द लिखिए तथा उन शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ भी लिखिए। ये शब्द बनाने हैं पहले, जैसे फर्स्ट को, सेकंड नो, फिर थर्ड ग और फोर्थ है को। पहले तो इनके शब्द बनाने हैं, फिर जो शब्द बनाओगे ना क से न से स्टार्टिंग इसी से ही करना है। पहले तो वो शब्द लिख देना, फिर उस शब्द का नीचे अर्थ लिख देना, ठीक है। ये भी आपकी एक तरह से गतिविधि है और बहुत ईजी है। ये भी आपका होमवर्क है बच्चों, ये आप कर लेना अपनी बुक में ही। व्याकरण का काम बुक में ही करना, नोटबुक में नहीं करना। जैसा जैसा करवा रही हूँ आप करते जाइए, ठीक है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।